Gentlemen, assalamu alaikum. Poem Daffodils, William Wordsworth का शाकार है. William Wordsworth is the poet of nature. William Wordsworth अपनी कुदरत से मोहब्बत में किए जाने वाली शायरी की वजह से मशहूर है. Poem Daffodils 6 lines के 4 stanzas पर मुश्तमिल है. 6 lines stanza को हम इंग्लिश में sestet कहते हैं. Gentlemen, Daffodils European plant है जिस पर 6-7 पत्तियों वाला एक फूल होता है जो कि 6-7 सेंटीमीटर एक लंबी टहनी के ऊपर होता है. ये चमकदार पीले रंग का होता है और अक्सर हम अगर किसी को फूलों का तोहफा दें तो हम जो बूके खरीदते हैं उनमें डैफोडिल्स मौजूद होते हैं. डैफोडिल्स खजा में काश्त किए जाते हैं जबकि ये हमारे पास फ्लावर शॉप्स के ऊपर फूलों की दुकान के ऊपर सर्दियों के आखिर में स्टार्ट होकर उससे कुछ अर्सा तक अवेलेबल होते हैं. माय डियर स्टूडेंट्स, पोइट्री बहुत ज्यादा बातों को और बहुत ज्यादा वाकयात कम अल्फाज में बयान करने का फन है. इस पोएम में पोएट ने विलियम वर्ड्सवर्थ ने बहुत कम अल्फाज में एक बहुत ज्यादा खूबसूरत नजारा जिसको लफ्जों में समोया ही नहीं जा सकता उसको समाने की कोशिश की. आई वांडर्ड लोनली एज अ क्लाउड दैट फ्लोट्स ऑन हाई ओवर वेल्स एंड हिल्स व्हेन ऑल एट वंस आई सॉ अ क्राउड a host of golden daffodils beside the lake beneath the trees fluttering and dancing in the breeze. We have 6 lines. 6 lines wale stanza ko hum sestet kehte hain. Isme dekhen cloud crowd hills daffodils trees breeze. Ye poet ne setting ki hai jisse wo rhyming kar raha hai aur prose se poetry ko different bana raha hai. Cloud Crowd, hills, daffodils, trees, trees. I wandered lonely as a cloud. एक दिन मैं आवारा गर्दी करते हुए अकेला तन्हा घूमते घुमाते बादलों की तरह that floats on high over vales and hills, जो के ऊंचे पहाड़ों और वादियों के ऊपर तैरते रहते हैं. When all at once I saw a crowd, अचानक मैंने एक हजूम देखा. A host of golden daffodils, sunehri gul-e-nargis ke mezban, mezban aur mehman, mehman guest, mezban host. Beside the lake, beneath the trees, jhil ke kinare, darakhton ke niche. Fluttering and dancing in the breeze, halki halki hawa mein raqs kar rahe the aur jhoom rahe the, naach rahe the. Ek din awara badalon ki tarah. बिल्कुल फ्री घूमते घुमाते विलियम वर्ड्सवर्थ पहाड़ों और वादियों में बादलों की तरह तैर रहे थे. वो जब घूम रहे थे तो उन्होंने खुद को तशबीह दी है कि मैं तो बादलों की तरह तैर रहा था, बिल्कुल हल्का, कोई परेशानी नहीं, कोई गम नहीं. जब वो उधर घूम रहे थे तो उन्होंने एक हजूम देखा जो कि उनकी मेजबानी के लिए वहां पे मौजूद था. वो सुनहरी डैफोडिल्स थे, गुल-ए-नरगिस. गुल-ए-नरगिस का ये हजूम दरख्तों के नीचे और झील के साथ जो हल्की हल्की हवा में रक्स कर रहे थे और झूम रहे थे. जेंटलमैन, दिस इज पोएट्री. एक सिंपल सा इवेंट और उसको पोएट ने तशबीहात देकर किस तरह जबरदस्त तरीके से बयान किया. लेट्स हैव अ लुक एट वर्ड्स मीनिंग. वांडर्ड, आवारागर्दी करना, फजूल घूमना फिरना. लोनली, तन्हा. क्लाउड, बादल. फ्लोट्स, तैरना. वेल्स, वादियाँ. हिल्स, पहाड़. पहाड़ की जमा पहाड़ियाँ. होस्ट, मेजबान. होस्ट का अपोजिट होता है गेस्ट, मेहमान. गोल्डन, सुनहरी. द कलर ऑफ द डैफोडिल्स, लेक, झील. एक लफ्ज होता है उसको हम कहते हैं झेल. झेलना मतलब बर्दाश्त करना, लेकिन इसको आप जेर के साथ पढ़ेंगे, झील. फ्लटरिंग, झूमना. डांसिंग, रक्स करना, नाचना. ब्रीज, हल्की हवा. मुख्तलिफ तरह से हवा चलती है तो उसके नाम भी मुख्तलिफ हैं. स्ट्रॉन्ग, तूफान. ब्रीज, हल्की हवा. कंटिन्यूअस एज द स्टार्स दैट शाइन एंड ट्विंकल ऑन द मिल्की वे दे स्ट्रेच्ड इन नेवर एंडिंग लाइन अलोंग द मार्जिन ऑफ अ बे. 10,000s सॉ आई एट अ ग्लांस टॉसिंग देयर हेड्स इन स्प्राइटली डांस. शायर डैफोडिल्स के फूलों के बारे में कहता है चमकते जाते थे ऐसे जैसे कि सितारे एंड ट्विंकल ऑन द मिल्की वे और इस तरह टिमटिमा रहे थे जैसे कि मिल्की वे कहकशां.
They stretched a never-ending line और ना खत्म होने वाली कतार में ताहद्दे निगाह तक फैले हुए थे। Along the margin of a bay, झील के किनारे के साथ साथ 10,000s saw I at a glance, एक ही नजर में मैंने 10,000 देख लिए। Tossing their heads in sprightly dance, खुशी से नाचते हुए और अपने सर को झुमाते हुए उछालते हुए, जो कि खुशी से नाच रहे थे और झूम रहे थे। Now let's go over the words meaning. Continuous, मुसलसल, लगातार. Shine, चमकना. Twinkle, टिमटिमाना. It is different from shining. Milky Way galaxy, कहकशां. Milky Way galaxy एक कहकशां है जिसमें हमारा planet Earth भी आता है। आपको समझाने के लिए मैंने एक छोटा सा video clip भी next slide में डाला हुआ है। Stretched, फैले हुए थे. Never ending line, ना खत्म होने वाली कतार. ता हद्दे निगाह, फैली हुई कतार. Margin of a bay, झील का किनारा. Margin, किनारा. Bay, झील. Lake and bay, water bodies हैं. इसमें हम झील का मानी लेंगे इसमें. Glance, नजर. Glance कहते हैं सरसरी निगाह डालना. Tossing their heads, झूम रहे थे. जब इंसान झूमता है तो उसका सर जो है उसकी भी एक खास किस्म की वेव किस्म की हरकत होती है. Tossing, वैसे इसका मानी होता है उछलना. Tossing their heads, सरों को झुमा रहे थे, झूम रहे थे. Sprightly dance, खुशी से, full of energy, नाचना. Sprightly dance. Next slide में आपको समझाने के लिए मिल्की वे गैलेक्सी के बारे में मैंने कुछ मालूमात दी हैं। आप उस वीडियो क्लिप को देखें और देखें कि हमारा प्लेनेट अर्थ, जमीन, मिल्की वे गैलेक्सी में कहां पर स्टैंड करता है। There is a question regarding stanza 2. How do you compare the daffodils with the stars? The poet compares daffodils to the stars in the galaxy because they were stretched in straight line and appeared just like stars in the sky. Shayar ne daffodils ka mawazna sitaron se isliye kiya hai kyunki wo kehkashan ki tarah dur tak tahadde nigah ek seedhi line mein phaile hue the aur chamak rahe the. और वो इस तरह बिखरे हुए थे जिस तरह आसमान में सितारे बिखरे होते हैं। The waves beside them danced, but they outdid the sparkling waves in glee. A poet could not but be gay in such a jocund company. I gazed and gazed, but little thought what wealth the show to me had brought. The waves beside them danced but they, झील की लहरें भी खुशी से फूलों की तरह नाच रही थी. Outdid the sparkling waves in glee, खुशी में चमकते हुए फूलों ने लहरों पर बाजी मार ली. A poet could not but be gay, एक शायर सिर्फ खुशी महसूस कर सकता है. In such a jocund company, इस तरह के पुरमुसरत माहौल में. I gazed and gazed, मैंने देखा और देखा. But little thought,
बहुत कम सोचा। What wealth the show to me had brought? इस तरह के नजारे ने मुझ जैसे शख्स के लिए कितनी खुशी का सामान मुहैया किया है, कितनी खुशी अनायत की है। Let's go through the meaning of the difficult words. Waves, लहरें, danced, रक्स किया, नाचे, outdid, बाजी ले जाना, जीत जाना, sparkling, चमकती हुई, glee, खुशी, gay, खुश होना। एक ये है जिसको हम आजकल सेक्स जेंडर के मीनिंग्स में भी ले रहे हैं, LGBT, lesbian, bisexual, transgender, gay, ये वो वाला gay नहीं है, gay means खुश होना। शायर ने gay का वर्ड जो फर्स्ट लाइन में दे यूज हुआ है उससे राइमिंग मिक्स करने के लिए किया है। जॉकंड कंपनी, पुर मुसरत साथ, गेज्ड, टकटकी बांध कर देखना, गौर से देखना। पीछे स्टैंजा में ग्लैंस लफ्ज आया है, ग्लैंस सरसरी नजर डालना, गेज टकटकी बांध कर देखना। थॉट सोचें, ख्यालात, वेल्थ दौलत, शो नजारा, ब्रॉट अनायत किया है, लाया है, मुयस्सर किया है। Dear students, there is a question in this stanza. How does the poet feel in the company of the daffodils? The poet feels ecstatically happy. Shayar bahut zyada khushi mehsoos karta hai. He feels as if his heart dances with the magnificent daffodils. Wo aisa mehsoos karta hai ki uska dil bhi bahut zyada khoobsurat daffodils ke saath naach raha hai. He forgets all his sorrows. वो अपने तमाम गम भूल जाता है। Forgets all his sorrows, इसको अगर उर्दू में हम कहें तो गम गलत करना भी कह सकते हैं। Means negating your sorrows because of the beauty that surrounds you. ऐसी खूबसूरती, माहौल, नज़ारे जो आपके आसपास मौजूद हैं, अगर आप उनमें कुदरत की खूबसूरती को तलाश करना और उससे महसूस होना शुरू कर दें तो आप अपने गम भूल जाते हैं। Far oft, when on my couch I lie, in vacant or in pensive mood, they flash upon that inward eye, which is the bliss of solitude. And then my heart with pleasure fills and dances with the daffodils. Far oft, when on my couch I lie, अक्सर जब मैं सोने के लिए अपने बिस्तर पर जाता हूँ, in vacant or in pensive mood, जब मेरा दिमाग खाली होता है या मैं अफसुरदा होता हूँ, the flash upon that inward eye, daffodils का नज़ारा मेरे तसव्वुर को चार चांद लगा देता है, which is the bliss of solitude, जो मेरी तन्हाई का साथी है और मुझे अकेले में खुशी फरहत बख्शता है, and then my heart with pleasure fills, जैसे ही मैं उनके बारे में सोचता हूँ मेरा दिल खुशी से लबालब भर जाता है, and dances with the daffodils, और मेरा दिल गुले नरगिस daffodils के साथ रक्स करना शुरू कर देता है। Difficult words and their meanings. Far oft, अक्सर, couch, बिस्तर, lie, लेटना, vacant, खाली, pensive mood, अफसुरदा मजाज, flash, नजारा, inward eye, तसव्वुर, अंदरूनी आंख, तसव्वुराती आंख, the imaginative aspect, bliss, राहत, bliss of solitude, तन्हाई की राहत, pleasure fills, खुशी से सरशार, dances, नाचता है, रक्स करता है। Gentlemen, इस poem में William Wordsworth ने अपनी नेचर से मोहब्बत को हमें आश्कार किया है। एक सादा खूबसूरत पहाड़ों और वादियों के दरमियान daffodils फूलों के नज़ारे को उसने चार स्टैंजर्स में कितनी खूबसूरती से समाया है कि वो नज़ारा उसकी जिंदगी का एक ना खत्म होने वाला पक्का हिस्सा बन गया है, कि वो नज़ारा उसकी जिंदगी का हमेशा के साथ साथ रहने वाला तसव्वुर बन गया है, और जब भी वो तन्हाई में खुद को अफसुरदा मजाज पाता है या उसका दिमाग सोचों से खाली होता है तो उस नजारे को जहन में लाकर खुद को खुशी मुहैया करता है। My dear students, if you have any question, query or confusion, please ask us in comment section. Gentlemen, keep watching our videos. अपना और हमारे चैनल का ख्याल रखें। I thank you all for listening.